वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। तो ये लाइन जो है ना मस्ट बोलना मेरे लिए, उसके आगे उर्दू स्टार्ट। अच्छा, तो मैंने आपसे कहना था कि मैंने सोचा मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ एक वीलॉग शेयर करती हूँ। हाय, काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी वर्क प्लेस पर एक वीडियो बना रही हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ, जस्ट एक दो हफ्ते के बाद। मैं इतनी तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अनम, यकीन करो तुम्हारे ट्यूटोरियल इतने हिट हुए हैं, कोई 70,000 पे है, कोई 35, कोई 60 पे है, इतना माशाल्लाह तुम्हारे अच्छे ट्यूटोरियल हुए हैं। तो बाकी तुम्हारे अगर चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे। तुम्हें उसके लिए एक ये गिफ्ट कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट लो, तुम्हें मैंने दो गिफ्ट कल दिए थे तुम्हें चार गिफ्ट दिए थे। और ना बात ये भी क्लियर करो व्लॉग में, लोग पता नहीं आशा को क्या क्या समझ के कमेंट कर रहे हैं इसके टॉपिक पे, तुमने जरूर अंदर लोगों से कहना और ये तुम्हें मैंने गिफ्ट किया है, ये तुम गिफ्ट ले। देखिए ASMR जो थी ना, ऐसे गिफ्ट एक दूसरे को देती है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक बच्चे को भेज के ₹5 कह रही कुछ अदद सेंड मंगाई है। अनम की इसमें भी ये बिट्टू के लिए मंगाई है, आशा के लिए, हाँ तो तेरे लिए मंगाई है। मुझे की सैंड, कितनी मजे की सैंड है, तुमने तो मुझे देनी थी, मुझे शाल की बच्ची मुझे बहुत थोड़ी ला के दे रही है। अच्छा तो मैं आपको ना, अच्छा यही कहना था तुमने, हाँ बस। अच्छा तो हाँ जी, मैं आपको अपनी वर्क लिस्ट दिखाती हूँ और ये जो मुझे गिफ्ट मिला है ये भी मैं रखती हूँ। तो ना एक मिनट मैं ये रख दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वर्क प्लेस। यूनिक स्मार ऐसे ही करती है, जब उसके पास टेक्सचर्स होता है ना कुछ ऐड करती है तो मुझे भी साथ में दे देती है। आयशा उधर बैठ जाओ। अच्छा तो मैं ना आपको वन बाय वन करके अपने टेक्सचर्स दिखाती हूँ। और हाँ जी, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी अपनी छोटी सिस की, आयशा की क्रम्बलिंग वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो वो ना उसने वॉच पहन के क्रम्बलिंग की हुई थी। वो वॉच थी ना ख़राब थी, उसने अपने मतलब भाई की पहनी हुई थी, तो उसको शौक था कि मैं ऐसे ही क्रम्बलिंग करूँ। तो उसकी वीडियो पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी किए हुए थे सब्सक्राइबर्स ने, तो उनको मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चे को ना जी, पहली बात यह है कि मैं अभी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं अपलोड करना चाहती थी, मुझे था कि अभी तुम ऐसे ही क्रम्बलिंग करो, लेकिन उसको शौक था कि मैं वीडियो उसके बनाऊं और मैं आपके साथ चैनल पे शेयर करूं। तो जस्ट उसके कहने पर मैंने उसकी जो एक रिक्वेस्ट थी पूरी की, कि वो मुझे इतने प्यार से कह रही है कि मेरी भी वीडियो आप बनाए ना मापी और अपने चैनल पर डालें, उसको बहुत ज़्यादा बस इंतज़ार था। तो उसने अपना टेक्स्चर भी बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुखा नहीं है ये, देखें ये इसने अपना टेक्सचर बनाया और ये बार बार इसकी शेप्स बना के रख देती है। अब उसने फर्स्ट टाइम कल टेक्सचर अपना जो उसका ड्राई हुआ था हल्का सा, तो उसने वीडियो बना के अपलोड करवा दी, कहती मुझे नहीं पता ना मम्मी, अब बनाओ मेरी वीडियो डालो अपने चैनल पे। खैर तो ये मुडियस मार्केट जो है ना टेक्सचर पड़े हुए हैं, उसको पता ही नहीं है उसके टेक्सचर्स का क्या हाल होने लगा हुआ है। खैर तो ये था कि अगर आप देखें अगला बच्चा जो है प्यार से अगर कोई चीज़ करने लगा हुआ है, बनाने लगा हुआ है, तो आप उसको थोड़ा सा ना अप्रिशिएट किया करें, ना कि नेगेटिव कमेंट करके इस तरह कि आप क्या कहते हैं अगले बंदे को डिसहार्ट किया करें, तो ये गलत बात है। अच्छा तो मैं आपको अपनी वर्क पे सिखाती हूँ, कपड़े जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने उस दिन वो टेक्सचर का ट्यूटोरियल आपको दिखाया था कि मैं ऐसे सेपरेट करती हूँ अपनी सैंड जो भी है, लिक्विड वगैरह अलग करती हूँ, तो वो देखो ये मैंने शेप्स बना के रखी हुई हैं। और आज बादल आए हुए हैं, अल्लाह खैर करे बारिश ना हो, क्योंकि यकीन करें मैं जब भी वर्क प्लेस सिखाती हूँ ना, उसके अगले दिन ही मेरी वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ हुआ होता है मसला, या तो मेरी शेप्स ख़राब हो जाती हैं या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखिए मेरा ग्रिटी वाइट कॉन्क्रीट सैंड जो है, वाइट कॉन्क्रीट सैंड जो है, ये मेरा वो टेक्सचर है जिसका मैंने अभी रिसेंटली आपको एक शॉर्ट ट्यूटोरियल शेयर किया है, जस्ट के सेपरेट कैसे करते हैं
वो जो भी है। और ये मेरा प्योर सैंड जो है, इसकी शेप्स बनी पड़ी हुई हैं, सैंड सीमेंट, सॉरी प्योर सैंड सीमेंट की। और ये मेरा रेड डर्ट है, इसकी भी शक्ल इतनी प्यारी हो गई है डस्ट पड़ पड़ के कि ओहो, अभी मेरा पाँव लगने लग गया था ऊपर, टूटने वाली थी शेप्स। ये रेड सैंड का मैंने ऐसे टब निकाल के, जब हार्ट शेप्स की क्रमलिंग की थी ना, उसके बाद मैंने ऐसे ही रख दिया हुआ इसको। और ये प्योर डर्ट का टेक्सचर है और ये प्योर सैंड है, इसकी मैंने कल शेप्स रेडी की थी। और अभी मैं एक वीडियो बनाने लगी हूँ, सोच रही इसकी बनाऊँ या सॉफ्ट डर्ट की बनाऊँ, ठीक है। और एक टेक्सचर मेरा ये पड़ा हुआ है इसके नीचे, ओए ये तो ओए टूट ही ना जाए। तो ये रेड जो टेक्सचर है ना, मैं इसी में ऐड कर दूँगी जो मुझे यूनिक स्मार्ट दिया है। तो अभी अजान हो ले तो मैं चुप कर दूँ ज़रा। मैंने आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि जो मैंने उस दिन क्या कहते हैं कॉन्क्रीट जो है, कॉन्क्रीट मुंह से बार बार निकले जा रहा है, जो उसी मैंने लिक्विड अलग करा था, आपको दिखाया था ना, उसी तरह लिक्विड मैंने एक दफ़ा पहले भी सेपरेट किया था। तो उसकी लिक्विड के अंदर मैंने सीमेंट ऐड करके ना उसको ड्राई किया था, तो ये बना था उसके बाद, ये वाला, ये वही टेक्सचर है जो मैंने लिक्विड को अलग किया था ना, उसके बाद उस लिक्विड में मैंने सीमेंट ऐड किया था। तो ये जो आपको वाइट कलर का टेक्सचर नज़र आ रहा है ना, क्योंकि मैं वाइट कॉन्क्रीट सैंड थी ना, तो इसलिए मैं कहती थी क्योंकि इसके अंदर ये टेक्सचर मिला हुआ था। तो ये निकलने के बाद देखिए ये ड्राई हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने इसको सीमेंट डाल के ऐड करके ना ड्राई किया था, ये देखिए कुछ सॉफ्ट है और कुछ हार्ड है। ये देखिए मैं आपको क्रम्बल करके दिखाती हूँ, ये है ना, ये ऐसे जैसे जिम चौक, जैसे मेरी सॉफ्ट डर्ट है ना ग्रे वाली, ये वाइट वाली हो गई है, ये देखिए। तो ये जो मैंने लिक्विड के अंदर सीमर डाल के उसको ड्राई किया था ना, तो वो जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ट्यूटोरियल शेयर की है हाउ टू सेपरेट टेक्सचर फ्रॉम लिक्विड जो भी है, तो ये वाला उसका मेरा ट्यूटोरियल है। तो उस ट्यूटोरियल में जो मैंने लिक्विड आपको दिखाया था ना, मैंने पहले भी निकाला था, उस लिक्विड के अंदर मैंने सीमेंट डाल के ना उसको ड्राई कर लिया था, तो उसकी कुछ ये जो है ना सूरत निकली थी ड्राई होने के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे मेरी सॉफ्ट डर्ट बनी हुई है ना ब्राउन कलर की, थोड़ी क्रीमी कलर की, तो ये वाली वाइट कलर की है, जैसे कि क्योंकि ये टेक्सचर का लिक्विड है और वैसे ही है जैसे ये टेक्सचर वॉल है ना वैसे ही है। तो मैं आपको क्रम्बल करके दिखा देती हूँ, अगर आपको शायद लगता हो कि नहीं थोड़ा सा हार्ड होगा, तो ये देखिए ज़रा कितना सॉफ्ट है। तो ये चंक्स जो है ना बहुत सॉफ्ट है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के कलर के जो लिक्विड निकाल के आप डिफरेंट टाइप की इसकी सॉफ्ट डर्ट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने निकाली है उसी कलर की आप बनाई हुई उसी कलर की बना सकते हैं। जैसे कि अब आप ब्लैक जो है आपका टेक्सचर है उसका लिक्विड आप अलग करके सॉफ्ट डर्ट बना सकते हो। और जी ये देखिए मैं आपको क्रम्बल करके दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, क्लोजअप लेके आपको दिखा रही हूँ, फुल पाउडरी, ये देखें इतना लाइट वेट है कि इसका वजन ही नहीं है, ये देखें। ये देखें ये देखें कितना बड़ा चंक है, यकीन करें बिल्कुल लाइट वेट है। अब मैं आपको इसको देखिए एक सौ क्रम्बल कर दिखाती हूँ, इस कदर मज़ेदार टेक्सचर है, दिल करे क्रम्बल करी जाऊँ। ये देखें इसी तरह के ना, तो ये था जी टेक्सचर मेरा सेपरेट जो मैंने लिक्विड करके उसके अंदर सीमेंट डाल के बनाया था, ये वही टेक्सचर है। अभी मुझे बदरदीन कह रही थी कि आप जब सीमेंट डालेंगे ना आपने तब भी दिखाना है, तो उसमें मैंने अभी सीमेंट नहीं ऐड किया हुआ, जब मैं उसमें ऐड करूँगी तो मैं इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन उससे पहले भी मैं वो रेडी कर चुकी हूँ, तो आप ये देख लें इस तरह का रेडी होगा वो भी।
तो मैंने कहा क्यूरियोसिटी होती है लोगों को क्या भाई बनेगा कैसे कैसे, तो मैंने आपको वो चीज़ पहले ही दिखा दी है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल्स जो है ना वो तो लोग मेरे बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन आजकल मेरे चैनल के व्यूज़ जो है ना बहुत ख़राब हुए हुए हैं, पता नहीं क्या वजह है। इतनी अच्छी वीडियोस बना रही है, यकीन करें मेरी पूरी मेहनत लगती है हर वीडियो को रेडी करने में, मैं इतना इंतज़ार कर कर के हर वीडियो रेडी करती हूँ, शोर ना आए ये ना हो एक ही चीज़ का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब लोग इतनी अच्छी वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो पता नहीं फिर लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कि आपको इतनी अच्छी वीडियोस को भी नहीं अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर आपको क्या चाहिए देखने के लिए। तो मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन मुझे वो 100% नहीं मिल रहा वापस, 100 में से 80% 70% भी नहीं मिल रहा। जस्ट मैं तो अपना काम दिखाती रहूँगी अच्छा, बाकी अल्लाह पाक बेहतर कर दे मेरे चैनल में जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो व्यूज़ अच्छे आने शुरू हो जाएं। देखिए अब हम तो अच्छे काम के साथ अपना जो भी है आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, क्या कमी है ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो अपने काम को खुद देख के बहुत मज़ा आता है कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रही हूँ। अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो वो आप बता दें। ये देखें पाउडर जो है हो गया, इतना मज़े का है, ठीक है। ये देखें ये देखें, ये मैंने आपको सारा टेक्सचर क्रम्बल करके दिखा दिए। ये पीछे की आवाजें जो आ रही है ना इनको ना सुने, ये मैंने अपना सारा वाइट जो भी टेक्सचर था उसको मैंने सारा अपना जो टेक्सचर क्रम्बल कर दिए, और मैं इसको सिफ्ट कर लूँगी और लिक्विड पानी में डाल दोबारा डाल के इसको ड्राई कर लूँगी, और ये वैसे ही रेडी होगी सॉफ्टर जैसे मेरा पहला टेक्सचर है, ठीक है। इसको बंगड़ो लाते हैं। तो आज जो मेरी कल वर्क प्लेस का हाल है कुछ इस तरह से, ये चॉक पाउडर ऐड किया, तो ये चॉक पाउडर है जो मैंने अपने वाइट कॉन्क्रीट सैंड में ऐड किया होता है, ये भी मैंने क्रश करके रखा हुआ, ये मैंने नहीं किया हुआ, ये मुझे यूनिक इस्मार ने क्रश करके दिया था, कह रही थी अपनी वाइट कॉन्क्रीट सैंड में मिला लो, मैंने कहा नहीं ये हार्ड कर देगा, चॉक जो होता है ना वो हार्ड कर देता है आपके टेक्स्चर को। तो मैं ना वाइट सीमेंट मंगवा के ना वाइट सीमेंट वो मे भी अपने वाइट कॉन्क्रीट सैंड में डाल के ना वो मेरे हाथ से पहले उसको जमाऊँगी, और फिर मैं उसको ना क्या कहते हैं रेडी करके ना अपने वाइट कॉन्ट के सैंड में डालूँगी, ताकि वो थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट लगे। खैर अब ये देखिए चौक है, ये देखिए, और ये जो सब टेक्सचर्स का मिक्सचर है ये वो पड़ा हुआ है। चलें जी मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा वर्क प्लेस का अब क्या सीन है, और ये देखिए मेरी सॉफ्ट डर्ट मैंने वही शेप्स बना के रखी हुई थी ये, और मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और इसको अभी एंड कर देती हूँ, फिर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर दूँ। और अच्छा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी क्रमली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।